आज हम लेकर आए हैं छोटी छोटी मगर बहुत ही कमाल के किचन टिप्स, जो आपके खाना टेस्टी बनाने के साथ साथ आपके काम को बेहद आसान भी करेगा। तो नंबर वन टिप में हम देखेंगे पराठे को टेस्टी बनाने के लिए आटे में उबला आलू कद्दूकस करके मिला लें। इससे पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और सेकेंड नंबर टिप में देखेंगे, पराठे अगर आयल या घी की जगह बटर में सेके जाए तो अधिक टेस्टी बनते हैं। और थ्री नंबर टिप में देखेंगे, ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप सत्तू मिला लें। इससे ग्रेवी तो गाढ़ी होगी साथ ही टेस्टी भी हो जाएगी। और फोर नंबर टिप में देखेंगे, पकौड़े बनाते समय अगर उसके घोल में एक चुटकी अरारोट और थोड़ा सा गरम आयल मिला दिया जाए तो पकौड़े अधिक कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। और फाइव नंबर टिप में देखेंगे, पकौड़े सर्व करते समय इन पर चाट मसाला छिड़के, इससे अधिक टेस्टी लगते हैं। और सिक्स नंबर टिप में देखेंगे, आटे में एक छोटी चम्मच चीनी डालकर आटा लगाने से पूरियां फूली फूली बनती हैं। और सेवन नंबर टिप में देखेंगे, पनीर अगर टाइट हो तो उसे चुटकी भर नमक मिले हुए गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए रख दे, पनीर नरम हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टिप है फ्रेंड्स। और एट नंबर टिप में देखेंगे, चावल पकाते समय पानी के साथ नींबू का रस मिलाने से चावल अधिक खिले खिले व सफ़ेद और टेस्टी बनते हैं। और नाइन नंबर टिप में देखेंगे, प्याज को फ्राई करते समय हल्की सी चीनी डालने से प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। और टेन नंबर टिप में देखेंगे, एक कप नारियल पानी में दो ब्रेड और एक चम्मच चीनी डालकर ब्लेंड कर लें। इससे इडली के घोल में मिलाने से खमीर अच्छा उठता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा टिप है फ्रेंड्स। और 11 नंबर टिप में देखेंगे, दही जमाने के लिए जामन नहीं है तो गुनगुने दूध में एक हरी मिर्च डालकर रखने से भी दही तैयार हो जाता है। तो इसको भी आप ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और 12 नंबर टिप में देखेंगे, तंदूरी चपाती को नरम बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें थोड़ा दही मिला लें और गुनगुने पानी से आटा लगाएं। तंदूरी चपाती सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी। और 13 नंबर टिप में देखेंगे, दाल के चीले बनाते समय घोल में दो बड़े चम्मच चावल का आटा मिला लें, चीले खस्ते और क्रिस्पी बनेंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छा टिप है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट टिप है हमारा 14 नंबर टिप में देखेंगे, इडली डोसे का मिक्स खट्टा हो गया हो तो इसमें नारियल का दूध मिला लें, खट्टापन निकल जाएगा। तो इसको भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और 15 नंबर टिप में देखेंगे, पनीर बनाने के बाद बचे हुए पानी से आटा लगाने से तंदूरी चपाती नरम बनती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टिप है, एक बार इसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर पसंद आता है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि जो भी हमारा न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।